नमस्कार दोस्तों दोस्तों गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों में अपनी परेशानी और तनाव को जरा हल्का करना चाहते हैं तो हर दिन एक कच्चा प्याज ज़रूर खाएं। दोस्तों हम सब ने अपनी मम्मी दादी नानी सबसे इस बात के बारे में ज़रूर सुना है कि गर्मियों में कच्चा प्याज ज़रूर खाना चाहिए। दरअसल दोस्तों प्याज में सोडियम पोटेशियम फॉलेट विटामिन ए विटामिन सी और विटामिन ई कैल्शियम मैग्नीशियम और फास्फोरस ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों ये आपको बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ देंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम प्याज से होने वाले फ़ायदे के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों फ़ायदों को जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं पहली बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप अपने घर के बड़ों को याद करके हमारी आयुर्वेदिक फैमिली के साथ जुड़ जाएँ। वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्याज दिल के स्वास्थ्य को सुधारने में कैसे मदद कर सकता है। दोस्तों दरअसल प्याज में फ्लेवोनॉइड्स और थियोसल्फिनेट्स पाए जाते हैं। दोस्तों प्याज में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स आपके शरीर में ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करके आपकी मदद करता है और थियोसल्फिनेट्स रक्त की स्थिरता को सही रखने में आपकी हेल्प करता है। इसके कारण दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा कई गुना कम हो जाता है। यानी कि गर्मियों में आप एक प्याज रोज़ाना खाओगे तो आपका जो हार्ट है वो सही तरीके से काम करेगा जिसके कारण आपको ना दिल के दौरे पड़ेंगे ना स्ट्रोक आएगा। बात करते हैं दोस्तों ये आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। दरअसल दोस्तों एक प्याज में 25.3 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। दोस्तों कैल्शियम मजबूत हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए आप अपने सैलड में एक वेजी को ऐड करके आप इसे बेहतर हड्डियों का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इम्यूनिटी को सुधारने की। दरअसल दोस्तों बहुत सारे जो शोध आए हैं उनमें इस बात की पुष्टि होती है कि ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत मददगार है। साथ ही ये कैंसर विरोधी तत्व भी इसमें पाए जाते हैं जिसके कारण आपको कैंसर नहीं होता है। अगर दोस्तों आप प्याज खाते हैं तो आप जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे और आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो मजबूत रहेगी। दोस्तों बात करते हैं जो सांस समस्याओं वाले लोग हैं उनके लिए प्याज कितना अच्छा होता है। दरअसल दोस्तों प्याज एक एंटी एलर्जन है और ज़्यादातर मामलों में एलर्जी हमें सांस समस्याएं देती है। दोस्तों प्याज खाने से जो ट्रैकिया होता है यानी जो हमारा श्वसन तंत्र होता है उसकी जो मांसपेशियाँ हैं उनको बहुत आराम मिलता है। जो भी अस्थमा के मरीज़ हैं या अस्थमा जैसे किसी को बीमारी है कोई प्रॉब्लम है सांस लेने में कोई दिक्कत होती है तो वो प्याज खाना शुरू कर दे बहुत फ़ायदे मिलने वाला है। बात करते हैं दोस्तों आंखों की रोशनी को बढ़ाने की। दोस्तों गर्मियों में आंखों पर सूखापन आ जाता है ये बहुत ही आम बात होती है। दोस्तों प्याज में मौजूद सेलेनियम विटामिन ई के उत्पादन में मदद करता है जो बदले में दर्दनाक आंखों की समस्या से बचाए रखता है। बात करते हैं यौन समस्याओं में सुधार की। दोस्तों यदि आपके पार्टनर को रेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है तो उसे हर रोज़ खाने में प्याज दो क्योंकि प्याज जो होता है वो पुरुषों की इस समस्या को दूर कर देता है। दरअसल दोस्तों अध्ययन में ये पाया गया है कि ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करता है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप प्याज को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें अपने सैलड में ज़रूर ऐड करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद।